आज वार्ड नंबर 12 में ऑनरेबल कारपोरेटर चेयरमैन जी दंगराज जी के साथ, जिला के अध्यक्ष मनीष कुंजिया जी के साथ, अयोध्या गुप्ता जी के साथ और यहां पर सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरी मातृशक्ति, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 500 के लगभग डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है जी दंगराज जी के प्रयासों के द्वारा बनाए गए थे और उन बनाए गए सर्टिफिकेट्स को आम जनता के बीच में जो है वो बांटा गया है। उन सबकी इच्छा थी कि जी दंगराज जी एक बड़े कार्यक्रम करके जो है उनके बीच में बांटे और हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ी सौगात के रूप में 370 का जाना, 35A का जाना हुआ था और उसके बाद हम सब जानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले ऐसे लोगों को हक मिला था जो 72 वर्ष से जिन लोगों को यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट, यहाँ पर रहते जरूर थे लेकिन वोट डालने तक का हक नहीं था। ऐसे हमारे कई भाई जो वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी के नाते यहाँ पर रह रहे थे, चाहे वो गोरखा समाज से संबंधित थे, चाहे वो ऐसे समाजों से संबंधित थे जिनको यहाँ पर रहने का हक तो था लेकिन वोट डालने का जो था हक नहीं था। ऐसे हम सभी समाजों को आज हक मिला है। आज लगभग 500 के लगभग ऐसे परिवारों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिले हैं। कम से कम 200-250 सर्टिफिकेट ऐसे होंगे ये उन परिवारों को मिले हैं जिनके पास कोई पीआरसी नहीं था। बाकी लगभग 250 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ऑलरेडी पीआरसी था। मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जिनके प्रयासों के चलते और खासतौर पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे चेयरमैन साहब जी दंगराज जी का, मनीष खजूरिया जी का, अयोध्या जी का और यहाँ पर जितनी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज सब मेरे साथ हैं, मैं उन सबको बधाई भी देना चाहता हूँ। उन सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद और उन सबको से तवक्को भी रखता हूँ, हम सब मिलकर एक अच्छा वातावरण जो है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक अच्छा वातावरण, एक ऐसे समय की तरफ हम सब लोग अग्रसर हैं जो 72 वर्ष जी। आज वार्ड नंबर 12 में डोमिसाइल का बांटने का कार्यक्रम किया गया है। हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे एमएलए और हमारे जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष अयोध्या गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंत्री सत शर्मा जी जिनके प्रयासों से आज ये डोमिसाइल यहाँ पे बांटे गए और उनके प्रयासों से यहाँ पे बने भी हैं। सबसे पहले मैं हमारे तहसीलदार रविशंकर जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 500 के करीब डोमिसाइल वार्ड नंबर 12 में बनाए, उनकी मेहनत और उनकी लगन से ये डोमिसाइल बने हैं। और सरकार से मैं विनती करता हूँ कि जिस तरह उनको सस्पेंड किया गया है, मैं आशा करता हूँ जल्द ही जल्द उसको बहाल किया जाएगा और सभी से यही प्रार्थना करता हूँ जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग यहाँ आए हैं उनकी भी यही आशा है कि वो ईमानदार हमारे रविशंकर जो तहसीलदार हैं उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से, वार्ड नंबर 12 के निवासियों को, मेरी बहनें, मेरे मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों को, सबको, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनको डोमिसाइल यहाँ पे मिला है। क्योंकि कुछ ऐसी फैमिली थी जिनके स्टेट सिलेक्ट नहीं बना था, जैसे हमारे विधायक जी ने कहा 250 के करीब यहाँ पे फैमिलियों को ऐसे डोमिसाइल बांटे गए हैं जिनका स्टेट सिलेक्ट पहले नहीं बना था। मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपने जितने भी यहाँ पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।